हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में देखिए, सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ की वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है आप सभी के लिए, उसको आप जाकर एक बार ज़रूर देखें कट ऑफ कितनी जाएगी सेकेंड राउंड में सभी कोर्सेज के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए जिनके भी मार्क्स हैं 600 से लेकर 652 के रिगार्डिंग, उनको क्या करना चाहिए, उनके क्या चांसेज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी बात करने वाले हैं। इसमें मेनली ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात हम करेंगे। तो उनके पास देखिए, जिनके भी 600 से लेकर 652 मार्क्स हैं उनके पास दो चांसेज हैं, या तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके होंगे नीट की प्रिपरेशन 2025 के लिए। ठीक है, दो चांसेज उनके पास हैं या फिर वो काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे होंगे। अब देखिए, कैटेगरी फर्स्ट में आती है, मैंने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, एक तो 600 से लेकर 625 के, एक 625 से लेकर 650 तक इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखिए, 600 से लेकर जिनके 625 मार्क्स हैं उनको या तो गवर्नमेंट MBBS ऑल इंडिया कोटा से भी नहीं मिलेगी, उनको BDS BAMS और BHMS मिल सकता है, तो उनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में प्राइवेट और पेमेंट सीट उनको मिल सकती है, उसमें वे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी सेकेंड है उसमें 625 से लेकर 600 जो स्टूडेंट हैं उनका क्या चांसेज है, देखिए जिनको भी पेमेंट, इनको पेमेंट या प्राइवेट सी MBBS मिल सकती है, उसके बाद में BDS BHMS BUMS या फिर BBSC में ये एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में इनके चांसेज हैं कि जो MBBS की 50% फीस पर जो प्राइवेट सीट होती है उनमें इनका एडमिशन हो जाएगा सेमी गवर्नमेंट में। ठीक है, ये इनके पास चांसेज हैं। अब देखिए, जो कैटेगरी थर्ड इज उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो भी स्टूडेंट 600 से लेकर 650 के बीच में, 640 से लेकर 650 के बीच में उनकी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, उनको या तो यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, बिहार के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, राजस्थान दिल्ली हरियाणा केरला और भी स्टेट हैं जिनको प्रॉब्लम है। तो इनमें क्या होता है, 85% कोटा से भी आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, दोनों से ही नहीं मिल रहा है, जिनके भी 650 वाले मार्क्स हैं उनको। तो उनके लिए अब क्या करना चाहिए, देखिए जिनके भी 640 से लेकर 650 मार्क्स हैं वो या तो रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं अदर कोर्सेज में एडमिशन ले रहे होंगे। बाकी देखिए, जिनके भी इससे कम मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, उनको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो अब देखिए, यदि सीट बढ़ जाती हैं, कुछ सीटें और ऐड हो जाती हैं, तो 645 से लेकर 650 वालों के चांसेस यूपी के अंदर तो ज़रूर बन जाएंगे। उसके बाद में देखिए, मैं ये मार्क्स वाइज यदि बात करूँ, जिसके भी 650 और 651 है, 650 और 651 है राजस्थान और यूपी का स्टूडेंट है, तो उसको स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में अभी 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं। उसके बाद में यदि 652 मार्क्स है, ओबीसी जनरल वाला कैंडिडेट है, वो काउंसलिंग में जा सकता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का वो वेट कर सकता है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है, बट 650 के कोई चांसेज नहीं है और 651 के कोई चांसेज नहीं है। ठीक है, इनके चांसेज नहीं है। उसके बाद में जो भी इससे कम आते हैं, जितने भी मार्क्स इससे कम हैं उनकी सबको का क्या करना है, उनको तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी है। तो देखिए, बहुत सारे मेजर कन्फ्यूजन था 650 651 652, और जो 640 से लेकर 650 के बीच में जो स्टूडेंट आते हैं उनको कन्फ्यूजन था, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। मेनली उद्देश्य ये था, ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं था, बट कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। ठीक है, कि कहाँ कैसे पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड
कर चुके हैं। बाकी जो भी वीडियो आएंगी आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।